मुख्यमंत्री नारायण सिंह सैनी ने 12 अप्रैल को उत्तराखंड चुनाव प्रचार कार्यक्रम में जाने की जानकारी दी। उन्होंने कांग्रेस को भी आड़े हाथों लिया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के चुनाव लड़ने के लिए उम्मीदवार नहीं मिल पा रहे हैं और पकड़कर उम्मीदवार लाने पड़ रहे हैं। वहीं मुख्यमंत्री ने प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं और बधाई दी। उन्होंने कहा कि नवरात्र हर व्यक्ति के जीवन में सुख समृद्धि लेकर आए, ये कामना करते हैं। साथ ही मुख्यमंत्री ने प्रदेशवासियों को ईद की मुबारकबाद भी दी। लगातार नरेंद्र मोदी की सरकार किसानों को एमएसपी देने का काम कर रही है। हरियाणा के अंदर अगर हम देखें 14 अन्य फसलें किसान की एमएसपी पर खरीदने का काम ये हमारी डबल इंजन की सरकार कर रही है। कांग्रेस की सरकार पंजाब में रही, कांग्रेस की सरकार राजस्थान के अंदर रही है पीछे, परंतु एक भी दाना उन्होंने एमएसपी पर नहीं खरीदा। अगर जो गेहूं और चावल एमएसपी पर खरीदा जा रहा है वो केंद्र सरकार खरीद रही थी, परंतु इन्होंने नहीं खरीदा। अगर हम देखें प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के माध्यम से किसान की जो पैदावार का क्षेत्रफल है उस क्षेत्रफल के अंदर एक बड़ी बढ़ोतरी, क्योंकि किसान को जो ड्रिप इरिगेशन और स्प्रिंकलर इरिगेशन के साथ उस खेत को ज्यादा क्षेत्र के अंदर पानी देने का काम भी इन्हीं फसलों के अंदर किया है, उसके ऊपर बड़ी सब्सिडी देकर के उसके क्षेत्रफल के अंदर पैदावार ज्यादा हो वो भी बढ़ाने का काम इन्हीं 10 वर्षों के अंदर नरेंद्र मोदी जी ने किया है।